हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं एमएस धोनी सर की एक स्केच बना रहा हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं, मैं इसमें काफ़ी पेंसिल्स एंड काफ़ी मटेरियल्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सब मटेरियल्स के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो मैं आपको इस वीडियो में बता सकता हूँ। सो इस वीडियो में मैं ट्यूटोरियल वीडियो नहीं दूंगा, सिर्फ इस मटेरियल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ इस स्केच को बनाने में। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो सबसे पहले मैं मटेरियल्स को डिवाइड कर देता हूँ। सो नंबर 1 पे आता है पेंसिल्स, एंड नंबर 2 पे आता है इरेजर्स, एंड नंबर 3 पे आता है ब्रशेस, एंड नंबर 4 पे आता है पेपर। सो पेंसिल में तो मैं आर्ट लाइन की नॉर्मल सी पेंसिल यूज़ करता हूँ जो कि मुझे 60 रुपीज़ में मिल जाती है। एंड इरेजर में मैं यूज़ करता हूँ मोनो जीरो इरेजर एंड नॉर्मल इरेजर, एंड एक इलेक्ट्रिक इरेजर आता है उसका भी मैं यूज़ करता हूँ। सो आपको मोनो जीरो इरेजर 125 रुपीज़ में लोकल शॉप पे मिल जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक इरेजर 250 रुपीज़ में लोकल शॉप पे मिल जाएगा। एंड इरेजर तो आपको नॉर्मल इरेजर तो हर दुकान में मिल जाएगा, सो आप लोग बाय कर लिएगा। एंड ब्रशेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाटर कलर ब्रशेस एंड दूसरा होता है मेकअप ब्रशेस। मैं यूज़ करने वाला हूँ मेकअप ब्रशेस का इस स्केच में, एंड हाँ ज़्यादातर मैं नॉर्मली मेकअप ब्रश का यूज़ करता हूँ। सो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है इसलिए स्केचेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथली ब्लेंड हो जाती हैं। एंड पेपर में ब्रशों का यूज़ करता हूँ A4 साइज, एंड A3 साइज भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप लोग A3 साइज ले लेगा, एंड वरना तो नॉर्मली A4 साइज में आपको मिल जाएगा कहीं। मटेरियल्स की तो बात हो गई, अब मैं बात करता हूँ स्किल्स की। एंड स्केच बनाने के लिए आप लोगों की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। अपनी स्केचेस की स्किल्स आप लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, एंड वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस स्केच को बनाने में मुझे टोटल 10 आवर्स का समय लगा है, एंड आप लोगों को मैंने इस वीडियो को टोटली 2 या 3 मिनट में आप लोगों को रिप्रेजेंट किया है। सो आप लोग समझ सकते हैं मैंने कितना काट पीट करी है इस वीडियो में, एंड मैं इतनी हार्ड वर्क करके ये स्केच बनाता हूँ और इस वीडियो आती है कुछ मिनट्स की। सो इसका ये रीज़न है कि आप लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखते सही से। सो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। सो मेरे इस हार्ड वर्क के लिए सपोर्ट दिखाएं, एंड सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।